वेलकम टू जर्मनी। बहुत जालिम बारिश हो रही है, बहुत जालिम बारिश। आपको देख रहे हैं ग्लव्स की कंडीशन, ये ग्लव्स है। इसके अंदर से पानी पानी। गुड मॉर्निंग इंटरनेट, सुबह बखैर, वेलकम टू माई चैनल। सबसे पहले सबको अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से हो गया। अच्छा जी, आज जो है हम निकल रहे हैं फ्रांस को खुदा हाफिज़ बोल के जर्मनी की तरफ, और इंशाल्लाह हमारा जो राइड जो है वो अबाउट 6 घंटे की राइड है। 8 घंटे के अंदर हम कंप्लीट करेंगे, रुकना रुकाना, गैप लेना, फ्यूल वगैरह डलवाना, और जो है कुछ खाने पीने का भी करना। तो 8 घंटे की राइड मैंने एस्टिमेशन करी है, निकल रहे हैं अभी यहाँ से फ्रांस से। तो हमारे एयरबीएनबी को हम बोलते हैं गुड बाय, चल के देखते हैं। रात में काफ़ी बारिश हुई, चल के देखते हैं अपनी मोटरसाइकिल को और सामान लोड करते हैं। यार ये तो हटो बच्चों सीन हो गया। बाइक फर्स्ट क्लास है, एवरीथिंग गुड टू गो है। मैंने अपना जो है, क्योंकि टॉप टैंक का था आपको पता है, वो टूट गया था स्ट्रैप। तो खैर वो मेरे को 18 तारीख को ही मिलेगा, तो 18 तारीख को इंशाल्लाह स्विट्जरलैंड के अंदर हम लोग होंगे, तब मुझे वो मिल जाएगा। अदर देन दैट, लेट्स लोड द सामान और लेट्स गो। अच्छा जी, सामान लोड हो चुका है एंड वी आर गुड टू गो। मगर जाने से पहले एक चीज़ जो करना मुझे लाजमी है वो यह है कि फ्रांस को गुड बाय बोल रहे हैं तो उनका भी स्टिकर लगा देते हैं। अनफॉर्चुनेटली इंग्लैंड के साथ हुआ ये कि वहाँ पर मैं लेना ही भूल गया सुवनीर। चले कोई बात नहीं, कहीं और से मिलेगा तो लगाएंगे। हाथ की भी कंडीशन बुरी हो रही है इस टाइम पे। राइट, चलें। तो ये जो है अब स्कॉटलैंड के साथ जो है हमने लगा दिया फ्रांस, बहुत बड़ा स्टिकर। आई थिंक सिर्फ छोटा लेता, मगर चलो कोई बात नहीं। ये जो है स्कॉटलैंड हो गया, फ्रांस हो गया, इंग्लैंड का भी ले लेंगे। तो ये इधर का मैप लग गया, वी आर गुड टू गो। अच्छा जी, चलें अब जो है निकलते हैं यहाँ से। बाइक मैंने स्टार्ट कर दी है, छोड़ दी है। जो होस्ट है मेरा, वंडरफुल होस्ट, आई थिंक इसकी जितनी तारीफ करूँ कम है। इसने बहुत ज़बरदस्त तरीके से टेक केयर करा, प्लेस वाज फिनोमिनल। वो खड़ा हुआ है तो चलें इसको भी अल्लाह हाफिज़ बोलते हैं, फिर निकलते हैं। ब्रदर सिखी, थैंक यू सो मच, यू आर वंडरफुल होस्ट, रियली अप्रिशिएट इट, थैंक यू। ओके, हाँ 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 एनबीएनबी, या कॉमन, या 100%, थैंक यू ब्रदर, हैव अ गुड वन। ओके, आखिरी चीज़ें मेक श्योर कर लें। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ सेट हो गई है, सामान लोड कर दिया है, बाइक का टेम्परेचर परफेक्ट हो गया है, एयर प्रेशर वगैरह आ जाएगा अगले कुछ मिनटों में। तो अब लेट्स गो, अब जो है हम यहाँ से चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभानल्लज़ी सखर लना रब्बुना मन कालिबुन। चलें जी, अब तो यहाँ से निकलने का वक्त हो गया है। बहुत ज़बरदस्त टाइम गुजरा, अच्छा लगा। ये जो मेरा होस्ट था ये बहुत नाइस था, मोरक्को से था, इसने मुझे रात में खाना भी ऑफर करा, और क्या नाम है, काफ़ी डिस्कशन करता रहा कि आई शुड ट्राई विज़िट, मैंने मोरक्को विज़िट करना चाहिए मुझे वगैरह वगैरह। तो मैंने इंशाल्लाह फ्यूचर में कभी टाइम मिलेगा तो डेफिनेटली ट्राई करेंगे। तो खैर सिचुएशन ऐसी है कि 6 घंटे 10 मिनट का सफ़र बता रहा है, और हम जो हैं इंशाल्लाह 8 घंटे के अंदर अंदर ये सफ़र पूरा कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ
आप लोगों को ये सफ़र भी पसंद आएगा। सो लेट्स गेट टू जर्मनी एंड गुड बाय फ्रेंड्स। हमें रियलाइज़ नहीं हुआ मेरा पेट्रोल भी ख़त्म होने वाला है 96 माइल्स है, तो चले यहाँ से पेट्रोल डलवा लेंगे, आगे भी आएगा आई थिंक, यहीं से डलवा लो जान बचा लो, पता नहीं फिर आएगा नहीं आएगा, ये भी नहीं पता कि ये वाला ओपन है कि नहीं है, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर सुबह के 8 बजे रहे और इन लोगों का कुछ भरोसा भी नहीं है बॉस। यहाँ से हम पेट्रोल डलवा लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे फ्यूल डलवाया है 20 लीटर आया है जो कि 41 यूरो और 27 पेंस आई गेस, तो चले ये भी डलवा लिया, फ्यूल भी फुल हो गया एंड वी आर रेडी टू रोल, लेट्स गो। 41 यूरो माने हो गया रफली 45 यूएस डॉलर, और फिर आप इसको एवेल्यूएट कर लो इंडियन करेंसी पाकिस्तानी करेंसी या दूसरी जगह पे, तो बहुत एक्सपेंसिव है फ्यूल यहाँ पे यूरोप में। चलो जो भी है, $45 के अंदर जो है हमारी बेबी का टैंक फुल हुआ है, बेबी को फ्यूल पसंद है, तो मस्तानी जो है वो मस्त हो के फ्यूल ले रही है और यूरोप वाले मस्त हो के जो है वो पैसे लिए जा रहे हैं उसके। चले एक्सपेक्टेड है कि पूरे रास्ते जो है बारिश होगी, तो चले बारिश का भी मज़ा एंजॉय करेंगे और देखते हैं कब तक बारिश चलती है, उम्मीद करते हैं कि रुक जाए, वरना भैया 7-8 घंटे जो है ना वो पूरा बारिश में ही गुजरेंगे। तो खैर हम तो सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं, दुआ ही कर सकते हैं, तो खैर हमारी बारे रब से दुआ ये है कि अल्लाह पाक आज हमारा रास्ता जो है वो खैर खैरियत से गुजार देना, कोई मुश्किल ना होए, कोई ये बारिश के अंदर जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं वो सारे हमारे रास्ते से हटा देना, हम खैर खैरियत से जो है जर्मनी पहुंच जाएं। तो आज जो है एक और मॉन्यूमेंट डे है, बेसिकली फ्रांस से जो है हम जर्मनी जा रहे हैं। आई डोंट थिंक इधर कोई बॉर्डर चेक्स है, बस आई थिंक कहीं साइन आ जाएगा, वो भी अगर नसीब हुआ तो मिलेगा, वरना यूरोप में तो वो भी नहीं दिखता, क्योंकि मैं हालांकि यूके से फ्रांस आया हूँ उसमें भी कहीं नहीं दिखा कि वेलकम टू फ्रांस या ऐसा कुछ, कुछ नहीं भाई। तो प्रोसेस आपने देखा था जो यूके से फ्रांस वाला था, बहुत सिंपल स्ट्रीट फॉरवर्ड, आई मीन बॉर्डर क्रॉसिंग इटसेल्फ वाज बेसिकली, मैं तो बोलूँगा कि एक किस्म का काइंड ऑफ मजाक लग रहा था यार कि ये क्या हो रहा है। तो एनीवे कोई बात नहीं, तो अब जो है हम हाईवे पे चढ़ने वाले हैं, तो चलें लेट्स गो लेट्स हैव फन, अल्लाह पाक हमारे ये रास्ता जो है खैर खैरियत से गुजरवाए। मगर यार पेरिस पे मज़ा आया काफ़ी, इट वाज फन। अब जो है ऑफ कोर्स नेक्स्ट स्टॉप है हमारी अल्टीमेट डेस्टिनेशन के लिए, तो लेट्स गो जर्मनी, हियर वी कम। एडवेंचर से पहले एडवेंचर हुआ है फ्रांस में, पडल है, तो उस पडल में से गुजरना है, क्या बात है। चले इसको हम ऑफिशियली अपनी वॉटर क्रॉसिंग बोल लेते हैं कहीं की।
अच्छा जी, अभी हम इधर रुके थे फ्यूल डलवाने के लिए। यहाँ पे 2 pound और पता नहीं प्लस 10 कुछ था, 26 pound का डला है। अभी जो है हमारे 3 घंटे ऑलमोस्ट 4 घंटे बाकी हैं। पिछले 2-2.5 घंटे से जो बाइक चला रहा था मैं, वो नॉन स्टॉप बारिश के अंदर थी। कुछ दिखाने को था नहीं तो इसे दिखाया नहीं। अब जो है यहाँ से मैं दोबारा ही निकल रहा हूँ, कोई रुकने का इरादा नहीं है, तो लेट्स गो जर्मनी। जर्मनी पे चलते हैं, फिर इसके बाद जो है आराम से वहाँ चलेंगे। आई थिंक अराइवल टाइम अभी बता रहा है 4:37 का, तो हमें पाँच साढ़े पाँच हो ही जाएंगे, तो यहाँ से तो निकलें पहले। खैर, बारिश के अंदर ओवरऑल पूरा सफ़र चल रहा है। And let's go. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. थोड़ा बहुत कुछ खूबसूरत आया है, मगर इससे पहले completely flat था, अब फिर भी बेहतर हुआ। अच्छा जी, एक और ब्रेक लिया था कॉफ़ी के लिए। अब जो है यहाँ से निकल रहे हैं, वही 3.5 घंटे का था, पता नहीं क्यों कॉफ़ी की मुझे फील हो रही थी, ऐसे लग रहा था नींद आ रही है, तो मैंने जो है फिर कॉफ़ी का ब्रेक लिया। एक बंदा भी मिल गया था जो कनेडियन था, तो अब जो है यहाँ से निकलता हूँ और आगे की तरफ जाते हैं। होपफुली कोई इशू तो नहीं होना चाहिए अब हमें। आई थिंक वी हैव मोर देन इनफ फ्यूल, और देख लेते हैं कितना रेंज बता रहा है। रेंज है 250 मील की रेंज बता रहा है। आई थिंक वो कैलकुलेट करेगा, तो शुड बी मोर देन इनफ होटल पे पहुंचने के लिए। ज़रूरत पड़ी तो एक और बार भरवा लेंगे, कोई इशू नहीं है। बस अपना ब्लूटूथ वगैरह मैं कनेक्ट कर लेता हूँ अब। अच्छा जी, अब जो है हमने ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट कर लिया है, जीपीएस हमारा लगा हुआ है, हम जीपीएस पे देखते हैं। हमारे जो राइड जो है वो 211 मील बता रहा है यहाँ से, और बता रहा है 5:30 बजे पहुँचेंगे, तो कोशिश करते हैं 5:30 से पहले पहुँचने की। मगर जो अब जो है निकलते हैं यहाँ से। काफ़ी यहाँ पे बाइकर्स थे, यहाँ पे आपको बहुत सारी बाइक्स आपको नज़र आ रही हैं। आई थिंक ये प्राइमरी स्टॉप ही है बाइकर्स का, तो अब जो है हम यहाँ से निकलते हैं और पहुँचते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। हो गया जितना होना था, और अब रुकना रुकाना है नहीं कहीं, अनटिल अनलेस के फ्यूल की मुझे ज़रूरत पड़े, जो कि पड़नी तो नहीं चाहिए यार, क्योंकि मोर देन इनफ फ्यूल है। 247 माइल की रेंज बता रहा है और 211 जो है वो हमारा डिस्टेंस बता रहा है, क्योंकि बीच में मैं बाज़ दफ़ा जो होता है ना ज़्यादा स्पीड दे देता हूँ या ओवर द स्पीड लिमिट चला जाता हूँ, जिसकी वजह से वो फ़र्क पड़ जाता है। तो खैर, एनीवे अब जो है हम हाईवे पे चढ़ रहे हैं, तो चलें लेट्स गेट टू जर्मनी यार। हो गया फ्रांस का जितना होना था, और पूरी राइड के अंदर बारिश ही रही है, तो लेट्स गो। हर थोड़ी देर बाद जो है वो टोल पे टोल आए जा रहे हैं, तो लगता है गूगल बाबा ने टोल का ठेका दे दिया, दिलवा दिया हमें, तो चले टोल पे टोल ही लेते हैं। सारे के सारे बाइकर्स इधर ही हैं।
अच्छा जी, मैं जो है काफी देर से बाइक चला रहा था, पता भी नहीं चला, इधर कोई साइन भी नहीं था। वेलकम टू जर्मनी, हम लोग ऑफिशियली जर्मनी के अंदर आ चुके हैं इस वक्त। मैंने एक तो नाम देखे, मैंने बोला यार ये तो जर्मन लग रहे हैं मुझे। तो खैर अब जो है हम जर्मनी के अंदर आ चुके हैं। खुदा हाफिज फ्रांस एंड खुश आमदीद जर्मनी। तो अब जो है टाइम टू जर्मनी को फतेह करने का वक्त है, फ्रांस को हमने निपटा लिया। तो लेट्स गो एंजॉय जर्मनी। अब जो है हमारी होटल पे चलते हैं, यहाँ से होटल हमारी जो है अबाउट रफली 2 घंटे दूर है, तो 2 घंटे की राइड और है। तो चलते हैं आपको दिखाते हैं। पूरे रास्ते में कोई सीनिक नहीं था। जर्मनी में दाखिल होने के बाद जो मैंने देखा जहाँ से सीनिक उस चीज़ शुरू हुई थी, वो असल में जर्मनी थे। फ्रांस में कुछ भी नहीं था, बिल्कुल प्लेन सिंपल फ्लैट था। तो खैर एनीवे चलें, अब तो हम आ चुके हैं जर्मनी के अंदर, तो मैं भी बोल देता हूँ वेलकम टू जर्मनी। हाँ, जर्मनी तो हम पहुँच गए और मुझे पता ही नहीं चला, कहीं साइन ही नहीं दिखा हुआ था कि वेलकम टू जर्मनी। उधर नाम ऐसे ऐसे देखे तो मैंने बोला यार ये तो जर्मनी लग रहा है। तो खैर अब हम कर लेते हैं हाईवे के ऊपर वेलकम टू जर्मनी। बहुत रिस्ट्रिक्शन है भाई यहाँ पे भी स्पीड लिमिट की, मगर खैर काश यहाँ पे कहीं साइन होता वेलकम टू जर्मनी ताकि मैं तस्वीर वगैरह ले लेता, बट है नहीं है, क्या बोल सकते हैं। नाम लिखे हुए आ रहे हैं शहरों के जो कि जर्मन में, और मैं फ्रेंच नामों की पूरी रेड मार रहा था। आप देखना मैं क्या रेड मारूंगा जर्मन नामों की। ओहो हो हो, मेरा चचा भी नहीं प्रोनाउंस कर सकता ये नाम, तो मैं ट्राई भी नहीं करूंगा, बस ये बता दूंगा एक ही है, ब्लैक फॉरेस्ट हो गया या म्यूनिक हो गया, फ्रैंकफर्ट हो गया, इनका तो बंदा बोल लेता है, मगर उसके बाद ये दफाए दफाए जफाए पता नहीं क्या क्या किस्म के होते ना, वो तो मुझसे नहीं होता। खैर एनीवे कोई बात नहीं, मैं कसाई बनने के लिए तैयार हूँ, मैं बुचर करूँगा इनके नामों को, इसमें कोई डाउट है ही नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है। और कोई अगर उम्मीद रखता है कि मैं इनके नामों को बुचर नहीं करूँ, सर आप बहुत गलत उम्मीद रखते हो, क्योंकि मैं इनके नामों की वाकई में ही बर्बादी कर दूँगा। चलें, ये कंस्ट्रक्शन एरिया था, इधर स्पीड बिल्कुल रिड्यूस हुई हुई थी। तो खैर जर्मनी का जो व्यू है वो बहुत खूबसूरत है अब तक, मुझे पता था कि ये एरिया में बहुत खूबसूरती आने वाली है, मगर काश वो साइन होता ताकि हम तस्वीरें कर लेते। चलें होटल पहुँचते हैं। मजा आ गया यार इधर राइडिंग करने का, जर्मनी फनामनल रोड यार, जबरदस्त रोड, बाइक लीन करने का जो टर्न एंड ट्विस्ट आ रहे हैं ऑलरेडी, यार मैं तो आई एम इन लव विद जर्मनी रोड। इधर तो बहुत खूबसूरत तरीके से सेटअप था, जो कि पहले भी गया ये थोड़ा सा भी रिकॉर्ड करा था, मगर भाई बहुत आला बहुत आला बहुत आला रोड है यार, बहुत आला। बाइक राइड करने का और सीनिक व्यू, मज़ा आ गया यार, सीरियसली मज़ा आ गया अभी तक तो। मज़ा आ गया यार, बारिश हो रही है वरना तो आई वुड लव टू यहाँ पे थोड़ी एक्सेलरेशन के अंदर मोड़ने का ना अलग ही बाइक का मज़ा है, मगर खैर अभी तो मैं नहीं रिस्क ले सकता क्योंकि इस टाइम पे हो रही है बारिश, रोड हैं गीले, स्लिप के चांसेस हो गए इंक्रीज, बारिश ही बारिश है। आई थिंक वो जर्मनी ने सिर्फ वेलकम करने के लिए टीज़र दिया था सनलाइट का, और फिर उसके बाद बोला आ जाओ बेटा बारिश के अंदर। खैर कोई मसला नहीं है, हम फिर भी एंजॉय कर रहे हैं। यार ये हद खूबसूरती की,
कि मुझे ब्लैक फॉरेस्ट से लेकर आ गया है और ब्लैक फॉरेस्ट मुझे बाद में करना था, और अब ये मेरे अंदर का बता रहा हूँ ना वो एडवेंचर वाला बंदा जगा रहा है। गूगल तूने ना मेरा मज़ा ना ख़राब कर रहा है अभी, सिर्फ होटल पे लेके जा भाई होटल पे। खैर चले यार वापसी होटल की तरफ ही चलते हैं, ये तो इधर तो मैं अगर राइड करना शुरू होऊंगा ना तो फिर मेरा तो रुकने का दिल ही नहीं चाहेगा, वरना पूरा जो मेरा जो प्लान है ना वो चौपट हो जाएगा। गूगल ने भी ना मेरा क्या कहें अब, हालांकि मैं इधर आके वो एक इंडिविजुअली पूरी राइड करना चाह रहा था ब्लैक फॉरेस्ट की, इसने मेरे को टीज़र ऑलरेडी दे दिया है। चलो वो तो खैर पूरा तो नहीं हुआ, ये तो सिर्फ टीज़र दिया है इसने, आई थिंक 2-3 किलोमीटर का जो अभी होता है। तो यप ये आ गया है जी टनो, उम्मीद करता हूँ आवाज़ मेरी जो है वो सही चल रही होगी। आई थिंक दिस इज़ हाँ ये वही है जो अंदर टनो जो है वो थोड़ा स्विंग में चलता है, फॉरगेट इसका नाम क्या है बट प्रीटी वेल नोन है। इसका नाम था एम से कुछ नहीं टनल मैं क्या बोलूँगा मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं जो है इन नामों को बुचर करूँगा, अब नीचे लिख दूँगा डिस्क्रिप्शन में है क्या, प्रोनाउंसिएशन आप जाने आपका काम जाने, मेरे से एक्सपेक्ट नहीं करें कि मैं नामों की जर्मन स्पेशली वो भी जर्मन नाम्स ना प्रॉपरली प्रोनाउंस करूँ। एग्जैक्टली ये वही है, सीरीज ऑफ टनल्स जाते हैं ये वही है। वेरी नीट यार, बहुत क्लीन रखा हुआ है, वेरी क्लीन वेरी नीट, आई कैन लिटरली स्मेल जैसे पेंट, फ्रेश पेंट होता है ना, हाँ मगर वो पेंट की नहीं, वो जो वॉल क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल कर दिया जाता है ना केमिकल, उसकी स्मेल आ रही है यहाँ पे। तो आई मीन या तो आज ही सर्विस हुई है या कल हुई है, बहुत स्पॉटलेस चल रहा है भाई। ओए होए 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 हटो बचो, क्या व्यू है सामने से, वो पहाड़ जो हैं उनके ऊपर क्लाउड्स, यार हटो बचो। और यहाँ पे कहीं पे ड्रोन ऊपर वहाँ पे ना एक कैसल भी है, वो देखो आई डोंट नो कैसल है क्या है, समथिंग देयर राइट ऑन टॉप ऑफ द माउंटेन। ये टनल जो था ये 1994 के अंदर बने थे बेसिकली, और ये मुझे पता इस वजह से चला क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ था 1994, तो मैं असूम कर रहा हूँ कि ये 1994 के अंदर बने। एक टनल से निकल के दूसरे टनल के अंदर दोबारा कंटिन्यूएशन, क्योंकि ये पहाड़ों के अंदर से कटता है ना फॉरेस्ट है बेसिकली, तो यहाँ से बस वो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ के अंदर। और ये जब एग्जिट करते हैं तो सामने का व्यू देखें आप, ओ माय गॉड, इस टनल से निकलने के बाद जो व्यू है ना ईमान से आई डोंट नो गोप्रो जस्टिफाई करेगा नहीं करेगा, इतना आला व्यू है, इतना आला व्यू है कि बस पूछो नहीं, बहुत आला बहुत आला। ये देख रहे हैं जो लेफ्ट साइड के ऊपर व्यू आया था आपने देखा था, मैं क्विकली करने की कोशिश कर रहा था मगर यार इतनी स्पीड के अंदर ना, और ऊपर से रेन भी है, फोकस रोड के ऊपर ही रखना पड़ रहा है, मगर ओ माय गॉड क्या खूबसूरत व्यू था।
बहुत ज़ालिम बारिश हो रही है, बहुत ज़ालिम बारिश। हालत बुरी हो गई है बारिश में, ये तो बहुत जालिम किस्म की बारिश हो रही है। कोई ओवरपास आए, शोल्डर आए, मैं साइड में रोकूं, क्योंकि ये बहुत जालिम बारिश हो रही है। ओके, एक आ तो रहा है, डेफिनेटली गोना गो स्टॉप अंडरनीथ ताकि समवट प्रोटेक्शन तो मिले ना भाई। Yes. Ooh, hoo, 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 hoo. इस साइड पे रुकते। Oh man, now talk about an adventure. अब ये है एडवेंचर। आपको देख रहे हैं ग्लव्स की कंडीशन, ये ग्लव्स हैं। इसके अंदर से पानी पानी। ओ मैन, क्या हालत हो रही है इस टाइम। बहुत जालिम किस्म की बारिश हो गई, मजबूर कर दिया इस बारिश ने रुकने पे, वरना अभी मैं नहीं रुकता हूँ। खैर चले, वेट करते थोड़ा। बहुत ज़ालिम बारिश हो रही है यार, बहुत ज़ालिम बारिश हुई है। अब थोड़ी सी थमी है, मगर मुझे रुकना पड़ गया था। अभी भी कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि मैं जिस जगह पे हूँ यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड बारिश होती ही होती है। खैर अब बस होटल पहुँचना है। होटल पहुँचे, थोड़ा सा अभी बकिया तो पूरा जिस्म ड्राई है। ग्लव्स जो है ना मेरे, ये वाले ग्लव्स जो, ये पूरे भीग चुके हैं, क्योंकि ये मेरे समर ग्लव्स हैं। मुझे अच्छा जी, हम फाइनली पहुंच चुके हैं अपनी होटल में। तो आए चले आपको मैं जो है रूम दिखा देता हूँ। सबसे पहले सिचुएशन ऐसी है कि इतनी बारिश हुई कि मुझे आने के बाद मैं आया हूँ, चेक इन कराया, सामान रखा है, और आपको दिखा देता हूँ, ये कमरा दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। वेलकम टू जर्मनी। अच्छा जी, दाखिल होते हैं तो रूम ये है। राइट साइड के ऊपर मेरा ये वॉशरूम है, शावर वगैरह। इधर मैंने अपना सामान रखा हुआ है, पूरा फैला हुआ, पूरा ही वेट हुआ हुआ था, तो मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। दिस इज़ अ बेड। ये हमारा व्यू है रूम से, और साइड के अंदर ये चीज़ें भी हैं। सो एनी वे, दिस इज़ द रूम फॉर यू। टेबल वगैरह पूरी है जो कि मुझे चाहिए, क्योंकि डेटा ट्रांसफ़र करना है। तो ये सिचुएशन है रूम की। रूम आपके सामने है। आई पेड रफली आई थिंक $88 रात के। तो दिस इज़ गुड। अब जो है मैं कुछ खाने का करता हूँ, और बाइक को भी मुझे खड़ी करना है, तो बाइक मेरे नीचे साइड में, सामान वगैरह मैं ले आया था। तो चलें, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कल जर्मनी को एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा सा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।